बोलिए सदगुरु श्री रितेश्वर जी की जय आज राजस्थान मेवाड़ का सौभाग्य है कि सदगुरु हमारे उदयपुर में आए हैं और मैं सभी युवाओं की तरफ से कुछ प्रश्न सदगुरु से करना चाहता हूं कि युवा आजकल पैसे कमाता है बिजनेस करता है एक ऊंचाई पर भी पहुंचता है लेकिन किस तरह युवा धर्म से जुड़े धर्म से युवा भटकता जा रहा है बिजनेस के सिलसिले में व्यस्त होता जा रहा है तो गुरु जी आप सभी युवाओं को गाइडेंस करें कि किस तरह धर्म से फिर से जुड़ा जाए नमन आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि एक युवा जो अच्छे बिजनेस कर रहा है अपने करियर को बहुत अच्छे से चला रहा है पर वो धर्म से बिलग हो रहा है अलग हो रहा है तो ऐसा क्या करें कि वो धर्म से जुड़े पर मेरा पहला प्रश्न ये है कि उस युवा को ये समझना होगा या उसकी नीड होनी चाहिए कि धर्म से जुड़ने से मिलता क्या है इस दुनिया में हम सारे लोग वही काम करते हैं जिस चीज़ से हमें कोई लाभ हो जब युवा को ये समझ में आएगा कि धर्म से हमारे जीवन में जीवन के आनंद में जीवन के प्रेम में और शांति में बहुत इंक्रीजमेंट होगी बढ़ोत्तरी होगी मेरा लाइफ बहुत अच्छा होगा मेरे चेहरे पे स्माइल होगी तो फिर उसको बताना नहीं होगा कि आप धर्म से जुड़ो अभी तक जो धर्म की परिभाषा हमारे यहाँ प्रचलित की गई है एक हज़ार के गुलामी काल में जो यहाँ अंग्रेज़ आए मुग़ल आए उसके बाद हमारी संस्कृति और धर्म के जो भी स्ट्रक्चर थे उसको पूरी तरीके से डिमोलिस्ट कर दिया गया है किसी भी देश के संस्कृति को किसी भी देश के अक्षुणता और अखंडता को अगर आपको तोड़ना है मिटाना है युवाओं को समाप्त करना है वहाँ की लाइफ को रोइंड करना है तो पहले वहाँ की लिपि भाषा उसके बाद वहाँ की संस्कृति का विनाश किया जाता है जो हमारे देश में हुआ है धर्म और विज्ञान दो ऐसे शब्द खड़ा कर दिए गए भारत में कि युवाओं को बड़ी कन्फ्यूज़न हो गई जो लोग धर्म के पक्ष में थे युवाओं को लगा कि ये बड़े रूढ़िवादी लोग हैं ये बड़े कंजर्वेटिव लोग हैं और जिनको साइंस के पक्ष में खड़ा किया गया उनको बड़ी मॉडर्निटी के साथ दिखाया गया लेकिन यही चीज़ शायद मैकोले ने भारत में शिक्षा व्यवस्था को तोड़कर और उसने ये लिखा कि ये भारत एक दिन शरीर से तो आज़ाद हो जाएगा पर ये मानसिक रूप से सदा गुलाम रहेगा देसी मुर्गी बिलायती बोल इसकी अंग्रेजियत इस पर बरकरार रहेगी और आज उसी अंग्रेजियत के कारण धर्म जीवन की कला है आर्ट ऑफ लाइफ आर्ट ऑफ लिविंग एल आई वी आई एन जी एंड आर्ट ऑफ लिविंग एल ई ए वी आई एन जी क्या छोड़ना है और क्या जीना है इसको धर्म कहते हैं तो धर्म की जो परिभाषा विगत ढाई सौ वर्षों में पाँच सौ वर्षों में दी गई वो बड़ा ही कंजर्वेटिव दिया गया जिससे युवा जुड़ने से कतराता है उसको लगता है मुझे एक मॉडर्न लाइफ चाहिए मुझे एक फ्री लाइफ चाहिए जबकि धर्म की पहली परिभाषा है कि आप जिन बंधनों में बंधे हो उससे फ्रीडम के लिए हमें धर्म को अपनाना होता है परंतु धर्म को बंधन के रूप में प्रस्तुत किया गया निश्चय है कि जब किसी चीज़ को बंधन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तो उसे कोई भी व्यक्ति अपनाना नहीं चाहेगा हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है लिबर्टी चाहता है कोई भी व्यक्ति बंधन नहीं चाहता यही कारण है कि वह धर्म से दूर हैं और ऊंची पाश्चात्य संस्कृति जो हमें डिप्रेशन दे रही है जो हमें टेंशन दे रही है अगर आप सूचनाओं की बात करें तो 90 प्रतिशत अमेरिकन्स मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं एटी एट परसेंट पूरे दुनिया में लोग मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और सेवेंटी फोर परसेंट भारतीय भी भारत कभी डिप्रेशन को जानता नहीं था भारत को कभी पता नहीं था कि टेंशन क्या होते हैं एंजाइटी क्या होती है उसमें भी सेवेंटी फोर परसेंट लोग अब मेंटल एंजाइटी से गुज़र रहे हैं अब धीरे धीरे ये बात पता चल रहा है कि हमें अंग्रेज़ों की पढ़ाई या गुलामों की पढ़ाई के कारण जिस धर्म से अलग किया गया वो रियल साइंस था रियल साइंस है और वही साइंस रहेगा साइंस का मतलब है विज्ञान हिंदी में कहते हैं विज्ञान विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान स्पेसिफिक नॉलेज अगर कंप्यूटर का नॉलेज है मोबाइल का नॉलेज है ये इस वृक्ष का नॉलेज हमको चाहिए वृक्ष के नॉलेज चाहिए तो उसको हम साइंस कहते हैं लेकिन युवाओं को एक ऐसा पढ़ाई पढ़ाया गया अंग्रेजी के नाम पर तुम साइंस मानते हो हाँ आई एम आई एम साइंटिफिक और तुम ये धर्म मानता है ओ ये तो पुराना आदमी है ये बेकार आदमी है पर अब मैं देख रहा हूं कि सनातन संस्कृति के प्रति युवाओं में एक क्रेज है पर वो भी क्रेज सिर्फ जोश वाला है होश वाला नहीं है ये बहुत दिन टिकेगा नहीं जब वो नॉलेजफुल होंगे और रियली समझेंगे कि सनातन संस्कृति के नॉलेज से अगर हम अपने आप को आप्लावित करते हैं तो आने वाले जीवन में स्ट्रेस हमारे जीवन से चला जाएगा तो आप एक बात तो यकीन मानिए कि जिस दिन ये पक्का पता चल गया लोगों को कि स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के आई ही तरीका है और वो है अपने रिलीजन तो मैं नहीं कहूँगा इस्परिचुअलिज्म से जुड़ने के लिए कहूँगा देर आर बिग डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्परिचुअलिज़म स्प्रिट सबसे बना है स्परिचुअलिज्म जहाँ उत्साह है उमंग है तो बहुत जल्द ऐसा समय आएगा कि युवा समझेंगे कि जिस बिजनेस से पैसे कमाकर मैं आराम शांति और प्रेम चाहता था उसने मुझे दिया है मेंटल स्ट्रेस मेंटल एंजाइटी और जिस धर्म को हमने रूढ़ीवादी समझ कर छोड़ा था वो वास्तव में मुझे इस स्ट्रेस से मुक्ति दिला सकता है तो जैसे ही उनको ये पता चलेगा वो धर्म की तरफ मुड़ जाएंगे जरूरत है रियल धर्म के प्रचार की अभी तक रियल धर्म का प्रचार हुआ नहीं आपकी आज्ञा उतना आपसे एक प्रश्न करना अवश्य गुरुजी आजकल की युवा पीढ़ी शराब पीना को अपनी लाइफ स्टाइल मानती है तो हम उस चीज़ को कैसे कम कर सकते हैं और हम उनको जैन धर्म और सारे धर्म के प्रति कैसे जोड़ सकते हैं और स्पिचपल लाइफ के प्रति कैसे जोड़ सकते हैं देखिए मैं आ, जैन कम्युनिटी को इतना अच्छा मानता हूँ इस मामले में उनका रहन सहन खान पान हमारे सनातन संस्कृति में था कि सूर्यास्त के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए आज दुख का विषय है कि केवल जैन बंधुओं को छोड़कर भाइयों को छोड़कर, भले ही हम सनातनी कहे जाते हैं पर हमारी पार्टी तो रात में ही शुरू होती है हम बारह बजे ही खाते हैं जबकि वो हमारे लाइफ से जुड़ा था हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा था शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के ऊपर उसका असर है रात को ज़्यादा जगने से और ये करने से बहुत सारी बीमारियाँ हमें हो रही हैं और रात को हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत वीक होता है जिससे हमारा शरीर वीक हो रहा है तो ये तो साइंटिफिक बात है पर युवा अपने क्रेज के चक्कर में साइंटिफिक बात भी नहीं मानते असल में वो मनमौजी हैं और मन उनका भटका हुआ है न वो साइंस के पक्ष में है ना वो रिलीजन के पक्ष में है वो अपने मन के पक्ष में है और मन इतना विभ्रांत है इतना ज़्यादा दिशाहीन है कि उन्हें खुद ही पता नहीं कि सुबह क्या करेंगे और शाम को क्या करेंगे मेरा ऐसा मानना है कि शराब जैसी एक समस्या है सर आप किस लिए पीते हैं कहते हैं जब कोई कहता है बहुत गम हो गया गम भुलाने को शराब पीना है फिर कहते हैं आज बहुत खुश हूँ आज शराब पीना है तो पीने वाले को तो पीने का बहाना चाहिए दुख हो तब भी पियेंगे और आज हैप्पी हैं तब भी पियेंगे अब वो इसलिए पीते हैं अपने आप को भूलते हैं हर आदमी को द बिगनिंग ऑफ रियल स्परिचुअलिजम इज़ हु एम आई वो आई आई एम हियर वाट आई एम डूइंग जब ये बात पता नहीं होता है कि मैं कौन हूँ रियल मैं कौन हूँ मन हूँ कि मैं बुद्धि हूँ कि मैं ऐसा समाज द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों का वही एक पुतला हूँ मैं या विचारों का एक पुतला हूँ जब उसकी रियल आइडेंटिफिकेशन खुद के लिए नहीं होती तो बड़ा कन्फ्यूज रहता है डिप्रेस रहता है और इसलिए वो कभी कभी शराब पी करके अपने आप को भुलाना चाहता है मुझे पीने का शौक़ नहीं पीता हूँ गम भुलाने को वो पीता रहता है लेकिन जब वो फिर छः घंटे के बाद फिर जब जगता है तो सारी समस्याएं सामने खड़ी होती हैं वही विचार सामने खड़े होते हैं छः घंटे तक तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया दुनिया का राजा बन गया और छः घंटे के बाद फिर उसके बाद उसको अमृतांजन लगाना है फिर विक्र लगाने हैं और फिर उसको अपनी लाइफ में वापस आना है तो नानक साहब से एक बड़ी प्रश्न पूछा था किसी ने कि आप शराब पिए हो बोला क्या करता है ये शराब अरे बोला आठ घंटे तक तो आपकी मस्ती फिर कहाँ रहेगी बोला फिर अगले दिन बोला फिर पीना पड़ेगा फिर अगले दिन फिर पीना पड़ेगा और फिर फिर बड़ा डोज बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि फिर चार ही घंटे मस्ती मिलेगी फिर दो घंटे में हैबिचुअल हो जाओगे आप तो नानक ने बड़ी प्यारी बात कही कि अच्छा ये मस्ती के लिए पीते हो तो नाम खुमारी नानका मैं तो भगवान श्री राम के नाम में इतना मस्त रहता हूं कि मुझे किसी शराब की जरूरत नहीं है मस्ती के लिए शराब पी जाती है शांति के लिए शराब पी जाती है उनको अच्छा लगता होगा इसलिए वो शराब पीते हैं लेकिन अगर रियल टेस्ट उनको लाइफ का मिल जाए स्पिरिचुअलिज्म का मिल जाए नॉलेज का मिल जाए तो मुझे पक्का पता है वो सर आपकी तरफ़ देखेंगे भी नहीं मैं फिर कहूँगा अगर भारत में या पूरी दुनिया में किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो रियल नॉलेज फेक नॉलेज नहीं इंफॉर्मेशन गूगल के इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में बड़ा अंतर है हम सब इन्फॉर्मेशन पे जी रहे हैं नॉलेज नहीं हमारे पास और नॉलेज सेल्फ का डिस्कवर करना होता है और ये डिस्कवर तो आप किसी लिविंग मास्टर के सामने ही कर सकते हो लिविंग गुरु के सामने ही कर सकते हो हमारे एक से एक आप देखो जैन मुनि जैन आचार्य उन्होंने कितने समाज को जगाया है हमारे सनातन के ऋषि साधु संत कितने समाज को जगाया है तो जैसे जैसे आपका लव उन लिविंग आइडियल से होता जाएगा जो रियल रोल मॉडल है रोल मॉडल वो नहीं हो सकता जो खुद पेप्सी का एक घूंट नहीं पी सकता मर जाएगा पर पाँच करोड़ रुपए मिलने के कारण पेप्सी का प्रचार कर रहा हो वो रोल मॉडल हमारा नहीं हो सकता मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन लेना भी चाहिए किसी ने पूछा था बहुत सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट से कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है तो उन्होंने कहा पृथ्वीराज चौहान अब जनरल नॉलेज की इतनी कमी है और उनको हम रोल मॉडल मान के रखते हैं वो अच्छे एक्टर हो सकते हैं और इसके लिए उनका सम्मान होना चाहिए कि देखिए वो किसी रोल को लेते हैं तो बड़ी शिद्दत से निभाते हैं बट वो भारत के रोल मॉडल कैसे हो सकते हैं बट वो हैप्पीनेस के रोल मॉडल कैसे हो सकते हैं वो तो खुद डिप्रेस्ड लोग हैं खुद को गोलियाँ मार ले रहे हैं खुद ड्रग्स में चले जा रहे हैं खुद को मार दे रहे हैं इतने उनके ज़्यादा रिलेशन उनके टूट रहे हैं परेशान हैं रोल मॉडल तो कोई ऐसा हो सकता है ना जिसका जीवन कुछ हो ना हो पर चेहरे पे स्माइल है एक बात कह के इसको विश्राम देता हूँ मैं ऑलवेज़ बोलता हूँ एक एयर होस्टेस की मुस्कुराहट होती है वो एक घंटे के लिए आप जब एयरलाइंस में जाते हो दो घंटे के लिए मुस्कुराती हैं आपको सर्व करती हैं पर वही जब आप नीचे उतर करके एयर होस्टेस से कुछ पूछोगे तो वो आपको डांट देंगे बोला आप पानी दो बोला मैं आपके बाप की नौकर हूँ अरे मेरा वहाँ ड्यूटी था मुस्कुराने का मैंने आपको दे दिया पानी अब मैं नीचे थोड़ी दे सकती हूँ पर एक मुस्कुराहट श्री कृष्ण की है श्री कृष्ण जब मथुरा में थे तो तेईस करोड़ सेना ने उनके ऊपर हमला किया काल यवन और जरासंध ने तो काल यवन ने पूछा कि जरासंध मैं पहचानूंगा कैसे कि कृष्ण कौन है अरे बोला वो एक आदमी है मोर लगाता मोर का पंख है वो क्या हाथ में बंसी होगा बोला ऐसे तो सभी डेढ़ रुपए का बंसी खरीद के आ जाएंगे तब तो कन्फ्यूजन हो जाएगी बोला हाँ एक बात तो है वो सदा मुस्कुराता है चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो या अनुकूल हो वो मुस्कुराते हैं इस्माइल उनके फेस पे होती है और जब पहुंचे तो देखा सारे लोगों की हवाई उड़ गई तेईस करोड़ सेना ने घेर लिया किसी नगर को तो हालत क्या होगी लेकिन एक बंदा है जो खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था तो कालियावन ने कहा यही कृष्ण होगा भगवान ने कहा हाँ मैं ही कृष्ण हूँ मैं सदा मुस्कुरा ये मुस्कुराहट मेरी नॉलेज का है मुझे पता है मैं कौन हूँ तो नॉलेज की मुस्कुराहट टिकेगी और बाकी जो ये इंटरटेनमेंट की मुस्कुराहट है वो कुछ क्षण के लिए आएगी फिर चली जाएगी फिर लेना पड़ेगा देर आर बिग डिफरेंस बिटवीन इंटरटेनमेंट एंड इन्लाइटनमेंट हम इन्लाइटेंड होने के लिए आए हैं हम केवल इंटरटेन होने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं ये धीरे धीरे जैसे जैसे युवा समझेंगे तो शराब उनके लिए बहुत बेकार चीज़ बन जाएगी और वो शायद अपने नॉलेज को इन्जॉय कर रहे होंगे और अपने नॉलेजफुल होकर अपने मुस्कुराहट को लेकर स्वयं तो मुस्कुराएंगे ही उनके पास जो जाएगा उनको भी मुस्कुराहट मिल जाएगी तो यही एक उपाय है बाकी ये दवाइयाँ ववाइयाँ तो ये टेम्प्रोरी चीज़ें हैं आज छुड़ाओगे कल फिर पकड़ लेंगे मैंने बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग करके छोड़ते हुए देखा बाहर आए मित्रों से मिले और फिर ड्रग्स लेना शुरू कर दिया क्योंकि जब तक रियल नॉलेज नहीं मिलता है तब तक फिर वो पकड़े जाएंगे फिर कैच किए जाएंगे इसलिए ज़रूरत है रियल नॉलेजफुल होने की मैं कौन हूँ किस लिए आया हूँ सत्तर साल तक मुझे जीने हैं या नब्बे साल तक इस नब्बे साल में मुझे क्या क्या करना है ये चीज़ें जैसे जैसे क्लियर होंगी इंसान के जीवन से बुराइयाँ निकलती जाएंगी और वो सारी अच्छाइयों को लेकर के स्वयं भी मुस्कुराएगा और लोगों को भी मुस्कुराट बाटेगा सब जी आज का युवा डिप्रेशन में जा रहा है एग्जाम में फेल हो जाता है डिप्रेशन में चला जाता है कुछ बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं डिप्रेशन में आ जाता है किसी को जॉब नहीं मिलती है तो आत्महत्या तक युवा भी कर रहा है करने जा रहा है ऐसी परिस्थिति हो जाती है कई बार तो मेरी लाइफ में भी एक प्रसंग आया था जब मैं सी कर रहा था चार्टर्ड अकाउंटेंट तीन बार फेल हो गया था लेकिन मैंने सोचा बहुत डिप्रेशन में आ गया था बट उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया और आज कई कंपनीज है और कई बिजनेस है तो मैं भी युवाओं को बताना चाहता हूँ कि आपका वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है लाइफ का कि आप सक्सेस नहीं हुए उसके बाद बहुत ज़्यादा सक्सेस होने जा रहे हो तो इसको किस तरह से हम युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं टेस्ट नाइस क्वेश्चन ये सबसे प्रसंग प्रसंगवस क्वेश्चन है ये और उसके सबसे जीवंत उदाहरण मेरे नमन ही हैं कि एक समय ऐसा था जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते थे और उसके रिज़ल्ट काफ़ी कम होते हैं थ्री परसेंट के आसपास में होता है तो तीन बार असफल हुए मतलब वो एलिजिबल जो नंबर थे उनको नहीं मिल पाए नहीं आ पाए तो बड़ा एक तनाव आ गया लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि कई चार्टर्ड अकाउंटेंट नमन के अंडर में इनके काम को देख रहे हैं मेरे हिसाब से बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे तो वो दिन नमन को थोड़ा सा डिप्रेशन आया होगा लेकिन फिर वो खड़े हुए होंगे कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंट में असफल हुआ हूँ ना जिंदगी में थोड़ी असफल हुआ हूँ जिंदगी से बड़ा थोड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंसी है ज़िंदगी है जान है तो जहान है मैं तो भी बचा हुआ हूँ मेरा तो नाश नहीं हुआ है अगर मैं हूँ तो मैं कुछ भी खड़ा कर सकता हूँ और आज वो जज्बा वो विश्वास उस टर्निंग पॉइंट को मतलब वहाँ से अपने आप को रिकवर कर लेना ऊपर उठना और आज एक आप मैं अगर कहूँगा तो रोल मॉडल के रूप में मैं नमन को देखना चाहूंगा और ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और बातें कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप मेरे प्रिय हो और हो ही गए हो रियली really, अगर युवाओं को कोई शिक्षा लेनी हो तो नमन से लो एक समय में तीन तीन बार असफलता के बाद उनके जीवन में बड़ी तकलीफें आईं पर नमन ने अपने होश को नहीं छोड़ा अपने जोश को नहीं छोड़ा और वो बढ़ते रहे बढ़ते रहे और आज वो इस जगह पर हैं कि आनंदित हैं खुश हैं और वो दोनों एक साथ बैठे हैं प्रसन्न हैं स्वयं तो खुश हैं ही दुनिया को भी खुशी बांटने के लिए बैठे हुए हैं ये जितने बड़े होंगे दुनिया उतनी ही समृद्ध होगी लोग उतने ही समृद्ध होंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य को ये याद रखना चाहिए कि जिंदगी से सब कुछ है सब कुछ से ज़िंदगी नहीं है ये सब कुछ रहेगा फिर ज़िंदगी नहीं रहेगी लेकिन ज़िंदगी है तब तक ये सब कुछ है ये एक चीज़ अगर उसको याद हो कि भैया जिंदगी से सब कुछ है तो वो ओवरकम कर जाएगा और मुझे पक्का पता है कि आज असफल है और कल दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति होकर के निकलेगा और एक अंतिम लाइन और कहना चाहूँगा इस पर सफलता की परिभाषा क्या है वट इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस सक्सेस का क्या सक्सेस का मतलब कितना धन है कितने हमारे पास आदमी हैं गाड़ी हैं हमारा वैभव कितना है ये हो सकता है ये एक पार्ट है मनी एक पार्ट है वैभव एक पार्ट है मकान पार्ट है आपका जो पढ़ाई है लिखाई है एजुकेशन है क्वालिफिकेशन है ये सब मैटर रखते हैं मैटर करते हैं आपकी प्रतिष्ठा है ये सब मैटर करते हैं बट सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ सक्सेस की परिभाषा कितना ब्लिसफुल है मैं मैं जितना ब्लिसफुल हूँ उतना ही सक्सेसफुल हूँ जो जितना ब्लिसफुल है वो उतना ही सक्सेसफुल है और नहीं सब कुछ है हम देश विदेश जाते हैं तो लोग आते हैं बड़े बड़े लोग और आते पहले बातें करते हैं गुरुजी हमारा ऐसे है ऐसे है ऐसे है दो बेटे हैं एक वहाँ है अमेरिका में एक यहाँ पर यहाँ पर आधे घंटे तक बोलते हैं ये है ये है फिर बोलते हैं हम बोले आगे तो कुछ बोलो बोला लेकिन गुरु शांति नहीं है मैं मैं बोला आधा घंटा मेरा बर्बाद क्यों किया अरे जब फिर है क्या तुम्हारे पास आधे घंटे से अपनी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों की बात कर रहे थे पर बोले पीस ही नहीं है लव नहीं है मेरे पास मैं शांत नहीं हूँ तो उससे तो बढ़िया है कोई रिक्शा चला रहा है बहुत शांत है आनंदित है वो सक्सेसफुल है तो आपके पास कुछ नहीं है आपको डिस्कवर करना होगा दैट मीन्स आप जिन जिन चीजों को बहुत बड़ा मानकर बैठे हो उसके ऊपर अपनी शांति को भी खर्च करने को तैयार हो मैं आपको एक ही टिप्स देना चाहूंगा दुनिया की सारी वस्तु चली तो चली जाए पर अपनी शांति नहीं जानी चाहिए शांति बचाने के लिए दुनिया दिया जा सकता है पर दुनिया के लिए अपनी शांति नहीं दी जा सकती है और यही सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा परिभाषा है मेरी दृष्टि में बीर जी आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में रखना पसंद करते हैं वो ये समझते हैं कि माँ बाप बूढ़े हैं तो उनके घर में जो है अस्त व्यस्त रहेगा और जो कोई भी आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा इसके प्रति आपका क्या जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया ये वो देश है जहाँ श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवर में बिठाकर उनको तीर्थ यात्रा कराते थे ये वो स्थान है जहाँ एक सौतेली माँ के कह देने से बालक ध्रुव वन को चले जाते हैं तपस्या करने के लिए अपनी माँ भी नहीं है सौतेली माँ के कहने से चले जाते हैं और आज उसी देश में माता पिता को ओल्ड समझकर स्वयं को पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंग कर कि पता नहीं ये धोती कुर्ता वाले हैं क्या बोलते रहेंगे हमारा तो अब हमारी सोसाइटी हाई सोसाइटी हो गई है तो हायर सोसाइटी को लीड करने के लिए अपने माता पिता को वो छोड़ देते हैं बेच देते हैं अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक कार्यक्रम में था केरला के गवर्नर वहाँ बैठे थे मैंने पूछा आपके यहाँ तो नाइन्टी लिटरेसी है पर आपके यहाँ सबसे ज़्यादा ओल्ड एज होम है तो ये रिश्ता क्या कहलाता मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तो वो हंसे और मैंने कहा उसका मतलब मैं यही समझता हूँ कि लिटरेसी तो है पर एजुकेशन नहीं है एजुकेशन और लिटरेसी में बहुत अंतर है हम अक्षर पहचान सकते हैं पर एजुकेटेड नहीं हो सकते अपने माँ बाप को अगर हम अच्छे से रख नहीं सकते गौरव नहीं हो सकता कि ये मेरे माँ हैं ये मेरे पिता हैं उनकी सेवा करने में मेरे मन को आहलाद नहीं मिलता तो हम लिटरेट हो सकते हैं बड़ी डिग्रियाँ हो सकती हैं हमारे पास डॉक्टरेट हो सकते हैं पर हम एजुकेटेड तो नहीं हो सकते कभी भी हम गंवार ही कहलाएंगे हम अनपढ़ ही कहलाएंगे तो केरला में सबसे ज़्यादा ओल्ड एज होम है और पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा लोग हैं फिर वही मैकोले की संस्कृति मैकोले ने ऐसी शिक्षा दे के भारत का बंटा धार किया है कि लोग कहलाएँगे तो शिक्षित पर सारे काम अशिक्षित जैसे होंगे अनपढ़ों जैसे होंगे पहली ज़रूरत है या मेरे हिसाब से हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार जब तक यहाँ शिक्षा बोर्ड नहीं बनता और उस बोर्ड से हमारे बच्चे बचपन स्कूल से नहीं पढ़ते और बचपन से उनके भीतर में संस्कार नहीं दिए जाते तो बूढ़े तोते कभी राम राम नहीं बोला करते जिन तोतों के ये कंठ निकल जाया करते हैं आप कितना भी सिखाओगे टेंटे करेंगे राम राम नहीं बोलेंगे बच्चा तोता लाते हैं उसको सिखाते हैं तो राम राम कहता है तो एजुकेशनल सिस्टम को पहले से पूरी तरीके से सनातन संस्कृति के अनुरूप आपने देखा होगा हमारे यहाँ भागवत में भगवान ऋषभ देव आते हैं और ऋषभ देव जैन से भी इतना जुड़े हुए हैं प्रवर्तक ही हैं भगवान यभ देव के सौ पुत्र पर सौ पुत्र उनकी आज्ञा चौबीस घंटे मानने के लिए तैयार राजा हैं पर उनके सौ सौ के सौ पुत्र पिता की जो आज्ञा हुई वो मानना है तो वो एक दिवस था हमारे जीवन में वो एक समृद्धि थी हमारे भारतवर्ष में और आज एक संतान दो संतान हैं वो भी हिस्सा बांट ले रहे हैं छः महीने तुम रख लेना छः महीने तुम रख लेना ऐसे लग रहा है जैसे भार हो गए हो जो पिता जीवन भर हमारे भार को उठाते रहे हमें ज्ञान देते रहे प्रेम देते रहे वो बूढ़े होकर हमारे ऊपर भार बन जाते हैं तो लानत तो हमारे ऊपर है हमारे एजुकेशन के ऊपर है और हमारी मनुष्यता के ऊपर में है ये बातें एजुकेशनल सिस्टम को रिफॉर्म करके ही समझाया जा सकता है एंड देयर इज़ नो अनदर वे कोई दूसरा वे नहीं है वो दादी नानी की कहानियाँ सब गायब हो गई अब तो इन कमिंग डेज़ दादी नानी कौन बनेगा हम ही लोग तो बनेंगे ये ये बच्चे बनेंगे जो हाय हेलो के सिवा कुछ जानते नहीं हमारी दादी नानी सब ध्रुव की कहानी जानती थी और राम जी की कहानी जानती थी अब जो बच्चियां नानी बनेंगी वो क्या सुनाएंगी वो खुद पार्टी में गई हैं पार्टी की बात सुनाएंगी तो नानी वाला मामला खत्म हो जाएगा जो कहते हैं ना दादी नानी के दादी के नुस्खे आने वाले दो तीन पीढ़ी के बाद दादी के नुस्खे भी बेकार हो गए क्योंकि दादी नहीं रहेगी वो दादी अब कहाँ है ये दादी अब वो दादी हो जाएगी जो आज खुद इतनी पाश्चात्य सभ्यता में है और दादा मॉडर्न है कि वो हमारी संस्कृति से पूरी तरीके से कट चुके हैं तो ये अंतिम पीढ़ी है शायद हमारे पास कि अगर हम बचा पाए अपने दादा दादी को नाना नानी के ज्ञान को हम ले पाए तो आने वाली सौ वर्ष तक फिर हमारे भीतर में वो ज्ञान जिंदा रहेगा और हम अपने बच्चों को दे पाए तो फिर सौ वर्ष तक और कैरी करेगा फिर वो अपने बच्चों को दे पाए तो आज तक तो हमारे दादा दादियों ने वो कैरी करके रखा है अब हम लोग अगर नालायक निकल गए तो ये अंतिम पीढ़ी होगी कि हमारा वो ज्ञान समाप्त हो जाएगा अवेयर होने की ज़रूरत है और इस अंधी दौड़ में मुझे नहीं लगता कि अपने संस्कृति को खोना चाहिए मैं फिर से मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं जैन कम्युनिटी का नाम इसलिए बार बार लेता हूँ आप भोजन देखो संयम देखो अच्छा बिजनेस देखो उनसे बड़ा बिजनेस भी किसी के पास नहीं <laughs> वो इतने अच्छे व्यापारी हैं इतना अच्छा बिजनेस उनका है खान पान कैसा मुनि ऋषि मुनि के प्रति अपने जैन मुनियों के प्रति उनका आदर कैसा और वो बहुत व्यवहारिक भी हैं हर तरीके से ऊंचाई पर हैं तो उनसे हम क्यों नहीं सीखते उनसे हम क्यों नहीं सीखना चाहते कि देखो वो हमारे ही सनातन हम सब सनातनी हैं हमारे ही सनातन के एक अंश इतनी ऊंचाई पर हैं अपनी संस्कृति को बचाकर हमें तो लगता है रोल मॉडल के रूप में उनको लेना चाहिए और लेकर उनसे सीखना चाहिए और सीख के हम बहुत आगे जा सकते हैं तो मेरा मान्यता ऐसे ही है कि नॉलेज जैसे होगा एजुकेशनल रिफॉर्मेशन जैसे होगी तो धीरे धीरे ये ओल्ड एज होम बंद हो जाएंगे और माता पिता बच्चों के दिलों पर ही नहीं बच्चों के घरों पर भी राज करेंगे आजकल के युग में महाराज जी संतों की स्थिति गिरती जा रही है संख्या गिरती जा रही है पहले जैनों में भी लाखों साधु हुआ करते थे अभी 2000 साधु सीमित रह गए ऐसा ही सनातन में भी पहले कितने साधु होते थे तो स्थिति ये संख्या गिर क्यों रही है ये सबसे बड़ी बात यह है कि हम इतने मैटेरियलिस्टिक लाइफ को जी रहे हैं हर व्यक्ति चाहता है कि विवेकानंद आए पर पड़ोसी के घर में आए और एलन मस्क मेरे घर में आए मस्क अपने घर में चाहिए और विवेकानंद बगल वाले के घर में चाहिए अपने घर में विवेकानंद हो गया बिना पैसा कमाया पगड़ी बांध के तो, तो अरे नाम डुबा दिया बर्बाद कर दिया मेरे को तो पैसा क्यों नहीं कमाता तो कारण यही है कि हम अपने बच्चों को साधु संत ऋषि बनने नहीं देना चाहते हमारा बच्चा गुंडा बन जाए बुरा नहीं लगेगा आवारा बन जाए बुरा नहीं लगेगा स्मगलर बन जाए बुरा नहीं लगेगा और कोई कह दे आपका बच्चा साधु बन जाए है हमारा एक ही बच्चा है साधु बन जाएगा तो हम लड़ पड़ेंगे साधु कैसे बन जाएगा गुंडा बन जाए हमको मंजूर है साधु नहीं बनना चाहिए ये हमारी दृष्टि हो गई है साधु का अर्थ होता है जो अपने कार्य को भी सिद्ध कर लेता है और जगत के कार्य को भी सिद्ध कर देता है उसको साधु कहते हैं साधु केवल रूप रंग नहीं होते जो स्वयं के कार्य को भी सिद्ध कर ले और जो उनके पास है उनकी भी सिद्धि करा दे उसको साधु कहते हैं तो ऐसा बच्चा अगर घर में हो तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है मुझे यहाँ भी लगता है ये भी नॉलेज की कमी रह गई लगता है साधु बन जाएगा तो सब गाड़ी उड़ी बढ़ा के या कपड़ा पहन के बाहर चला जाएगा तो हमारा तो घर ही छोड़ देगा तो माँ बाप डर जाते हैं जब उनको समझ में आएगा नहीं नहीं साधु का अर्थ ये है कि इतना सिद्ध पुरुष होगा स्वयं भी आनंदित होगा और जो लोग इसके पास आएंगे इसके स्पर्श मात्र से वो आनंदित हो जाएंगे तो हर माँ बाप अपने बच्चे को साधु बनाना चाहेंगे ऋषि बनाना चाहेंगे यहाँ भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं खोट हो गया है डरा दिया गया है आप देखो ना बचपन में हम लोगों को कैसे डराया जाता था ऐ रोटी खा ले नहीं तो साधु बाबा पकड़ के ले जाएंगे साधु बाबा नहीं हुए कोई मनिस्टर हुआ भूत हुआ साधु को भूत बनाया गया था बाबा पकड़ के ले जाएंगे अरे बाबा आकर के आपको आशीर्वाद दे जाएंगे बेटा साधु बाबा आ रहे हैं आपको बहुत बहुत प्यार करेंगे ये नहीं कहते खाना खाओगे कि नहीं अभी साधु को बुलाऊं बाबा पकड़ के ले जाएगा बच्चा भी बचपन से सोच रहा है साधु बड़े खतरनाक होते हैं बच्चा पकड़ते हैं तो हमने तो पता नहीं बात बात में ही अपनी संस्कृति का इतना अपमान कर दिया है हम कहते हैं कॉलेज के कैंटीनों में बैठे रहते हैं और दो जलेबी ज्यादा खाने के लिए कहते हैं पहले आत्मा तब परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं आत्मा ना खाती है न पीती है न मरती है और वो इनकी आत्मा जलेबी खा रही है कौन सी आत्मा है ये कौन सी पढ़ाई है तो हमने पढ़ाई का भी ह्रास किया है कहीं ना कहीं ये मैकोले की संस्कृति हमारी संस्कृति को विलुप्त करती जा रही है वो नब्बे पंचानवे हज़ार वो ग्रंथ जो बख्तियार खिलजी ने धू धू करके जला दिए नालंदा और तक्षशिला में जो छः महीने तक जलते रहे वो तो कुछ लोग सुन के बचे हुए थे जिनके मस्तिष्क में वो ज्ञान था जिसकी वजह से आज भारत बचा है अगर वो मस्तिष्क में ज्ञान न बचा होता तो ग्रंथ तो सब जला दिए गए थे इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को गीता अपने बच्चों को जैन बानी जैन मुनियों की वाणी ये सब पढ़ा के हमको रखना है पता नहीं आगे फिर क्या हो फिर किस दिन कौन किताब जला दे तो कम से कम उनके भीतर में जो ज्ञान रहेगा वो ज्ञान फिर किसी भी दिन उतारा जा सकता है इसलिए बच्चों को बचपन से ही धार्मिक ज्ञान देना बहुत जरूरी है जिसके पास धार्मिक ज्ञान होगा वो नमन होगा वो बड़ा भी होगा वो जीवन में सारी सुख सुविधाओं को भी देखेगा उसके पास लग्जरियस जिंदगी भी होगी पर उसके जीवन में नियंत्रण भी होगा और उसके जीवन में आह्लाद और आनंद भी होगा मर्यादा भी होगी तो मैं चाहूँगा हो पर नमन की तरह हो और अंतिम बात ये इसमें कहूँगा एक सोने की लंका थी रावण के पास वो भी सोने की लंका थी एक सोने की द्वारिका थी श्री कृष्ण के पास दोनों ही सोने के नगरी के राजा थे एक जगह पर दूसरे की नारी को चुरा के लाया जाता था और एक जगह पर सुदामा जैसे व्यक्ति के आने पर भी श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर बिठाकर इत्र से और गुलाब जल से नहीं अपने आंसुओं से पांव धोते थे तो राजा होना बुरी बात नहीं है धनवान होना बुरी बात नहीं है पर लंका की राजा की तरह नहीं होना है होना है तो द्वारिका के राजा की तरह हमें होना है धन हो पर हमारी भावनाएं भी श्री कृष्ण की तरह हो ये जीवन में हमें, हमें सीखना है और धर्म हमें यही सिखाता है सतगुरु जी मेरा अंतिम प्रश्न है कि आज का युवा प्रेम विवाह को फैशन मानता है और स्कूल टाइम से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस तरह का फैशन चलता आ रहा है तो किस तरह इस संस्कृति को बचाना चाहिए मेरा ऐसा मानना है कि विवाह तो प्रेम में होना ही चाहिए अगर प्रेम ना हो तो विवाह का मतलब भी क्या है प्रेम तो जीवन की ही प्रधानता है लव इज लाइफ लाइफ इज लव लव इज गॉड गॉड इज लव ट्रूथ इज लव लव इज ट्रूथ ट्रूथ इज गॉड गॉड इज ट्रूथ यह हम बचपन से सुनते आ रहे हैं सत्य ही प्रेम है प्रेम ही भगवान है भगवान ही प्रेम है तो विवाह में प्रेम तो होना ही चाहिए हृदय में प्रेम हो तभी विवाह सक्सेस है और विवाह भी तो एक यज्ञ है हम विवाह को इवेंट बना दिए सर अभी कबाबी लोग आपस पास में बैठे रहते हैं विवाह हो जाता है विवाह तो बड़ी सात्विक अंदाजे में होनी चाहिए जैसे हमारे मुनि हों ऋषि हों उपस्थित हों वहाँ पर एक सुंदर जो भी रिचुअल्स हैं हमारे कम्युनिटी के उसके अनुसार में विवाह करना चाहिए हमने इसको इवेंट बना दिया है मतलब शराबियों कबाबियों के बीच में शोर हो रहा है कहाँ से देवता आएंगे कहाँ से यज्ञ होगा कहाँ से हवन होगा वो फूफा शराब पी करके आ गया उन्हीं को मनाने में पूरी जीवन निकल जा रही है वो मौसा आकर के शराब पी करके उल्टे पड़े हैं उनको मनाने में समय निकल गया हम कह रहे हैं सात्विक लोगों को बुलाइए ये दो लोगों का ऐसा जीवन शुरू हो रहा है केवल दो लोगों का जीवन नहीं है इनके मिलन से भारतवर्ष में अगर कोई नया संतान आता है तो भारत का भविष्य होगा अगर ये उलझे हुए लोग हुए अगर इनकी प्रकृति ठीक न हुई अगर ये डिप्रेशन में है तो आने वाला बच्चा भी डिप्रेशन में फल किसा कैसा होगा अगर बीज ठीक ना हो तो फल कैसा होगा तो मुझे लगता है हमारे यहाँ विवाह इसीलिए धर्म माना गया था विवाह को यज्ञ माना गया था विवाह कोई बुरी चीज़ नहीं थी प्रेम विवाह तो पहले भी होता था स्वयंवर होते थे हमारी जानकी बैठी हैं और राजा सब बैठे हैं अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं और जानकी माता स्वयं चुन रही हैं सबके गुण बताए जाते थे ये यहाँ के राजा हैं इनके ये गुण हैं इन्होंने इतने वेद पढ़े हुए हैं इन्होंने ये किया है अब वो स्वयं चुनती थी कि मेरा जीवन संगी कौन होगा तो भी प्रेम विवाह होता था पर अब प्रेम विवाह जो हो रहा है प्रेम विवाह तो नहीं तो वासना विवाह है वासना और प्रेम में अंतर है लव है लस्ट में अंतर है लोवी एन एलिस्टी अब हम लस्ट विवाह कर रहे हैं अगर लव विवाह हो तो ये तो एक्सेप्टेबल है हम एक्सेप्ट करते हैं प्रेम के बाद ही विवाह होना चाहिए और विवाह के बाद प्रेम होगा ही इसमें भी कोई दो मत नहीं है मामला ये है कि आप क्या देखकर विवाह कर रहे हैं अगर आप देखो पूरा पेपर भरा हुआ है पेपर की कटिंग आ, फाइव नाइन सुनहरा रंग गोरा छरहरा ऐसा लग रहा है कोई जानवर बिक रहा हो इतना सुंदर उसका पूरा बायोग्राफी दिया जा रहा है आप क्या कर रहे हो आपने उसमें लिखा ये इस कुल की हैं इनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी हैं इनकी माँ इतनी रिचुअल्स को मानती हैं इनके घर में इतने वक्त ऐसे ऐसे साधुओं की सेवा होती है अगर ये लिखकर बच्ची बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति भगवान ऋषभ देव के प्रति इनके मन में बड़ी अद्भुत भावना है अगर इन सब चीजों को देखकर कोई विवाह करता है तो मैं मानता हूँ प्रेम विवाह है पर हमने केवल बॉडी को फिगर किया और बॉडी को देख करके विवाह किया तो हमने तो चमड़े से विवाह किया ना अब उस चमड़े के भीतर जो मन है उस मन से जब पाला पड़ा तो आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है उसके बाद कि हे भगवान क्या देख विवाह किया था हम कि अब मन से पाला पड़ा है बेटा आप समझो तुम तो गए थे चमड़े देख करके मन तो देखा नहीं तो मन देखते अगर उनके बुद्धि को देखते उनके कुलीनता को देखते उनके संस्कृति को देखते उनका बचपन से लेकर के नहीं उनके तीन पुस्तों को देखते दादा दादी सब कैसे रहे हैं पहले ऐसे ही विवाह होता था हमारे यहाँ दादाजी ये नानी पक्ष की ये क्यों देखा जाता था कि अगर कहीं कोई ऐसा डिस्टर्ब आदमी हो गड़बड़ आदमी हो तो इसमें भी कोई ना अंश हो तो जब कुलीन लोगों को देखा जाता था फिर प्रेम करके विवाह करते थे अब केवल और केवल बॉडी देखे जा रहे हैं तो अब बॉडी लेके रहिए अब मन से पाला पड़ा है तो चाहे तो खुद को सूट आउट कीजिए और चाहे जा कर के दरिया में डूब जाइए चाहे जहर खा लीजिए अब देखिए सुशांत सिंह राजपूत यंगस्टर्स वो वहाँ गए किस चीज़ की कमी थी बिहार का एक लड़का वहाँ जाते हैं इतना नेम एंड फेम मिलता है किस चीज की कमी थी अब सीबीआई uh, का रिपोर्ट आएगा ही ड्रग्स में वो थे ड्रग्स जरूर लेते थे कैसे ड्रग्स लिया कैसे ड्रग्स के प्रति आकर्षण बढ़ा इतने अच्छे घर से आते थे तो वो कौन सी संस्कृति है जो हमें ड्रग्स की ओर ले जा रही है वो कौन सी संस्कृति है जो हमारे हृदय और नॉलेज की बात से अलग हटा करके हमारे केवल चमड़े कपड़ों तक सीमित कर दे रही है कपड़ा अच्छा पहनना कोई बुरी बात थोड़ी है आपने भी इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं हम भी जब आ रहे थे तो हमने भी पूछा भाई देखो कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा दो तीन कपड़े निकलवाए तो हमने कहा ये अच्छा है चलो यही पहनते हैं कपड़े अच्छे पहन सकते हैं हम अच्छे से रह सकते हैं हम अपनी देखभाल कर सकते हैं पर हमारा मन का भी तो देखभाल होना चाहिए ना तन का देखभाल तो हो रहा है मन का देखभाल कौन कर रहा है मन का देखभाल धर्म करता है गुरु करता है अंतिम बात कहता हूँ जैसे माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र मित्र नातेदार रिश्तेदार सब जिंदा चाहिए फोटो नहीं चाहिए हमें वैसे ही गुरु भी जिंदा चाहिए अगर जीवंत गुरु होंगे तो हमें कदम कदम पर रोकेंगे दैट्स नॉट गुड इट्स गुड डोंट डू दिस वो जब जब बताएंगे हमें रोकेंगे हमारा जीवन शाश्वत होगा सुंदर होगा आनंदित होगा मैं युवाओं से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर प्रेम विवाह करो पर उसके पहले अपने ज्ञान को विकसित करो कि देखोगे क्या केवल शरीर देखोगे केवल बाह्य आकर्षण देखोगे और बाद में आत्महत्या करोगे या उनके मन को भी देखोगे तन भी सुंदर मन भी सुंदर एक गाना भी हरिहरन का होगा तो दोनों जब सुंदर हों मन भी सुंदर है तन भी सुंदर है फिर आप विवाह करिए निश्चित ही इस विवाह से भारत का भी मंगल होगा मनुष्यता का भी मंगल होगा सनातन का भी मंगल होगा पूरी वसुधा का मंगल होगा प्राणी प्राणी में मंगल होगा लेकिन अगर यहाँ गड़बड़ हो गया तो एक खानदान बर्बाद हो जाएगा एक पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा इसलिए मैं चाहता हूँ लव मैरिज हो बट लव तन से हो या मन से ये डिसाइड युवाओं को करना है गुरु जी कई युवाओं के प्रश्न है कि डेली की लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए मीन्स कब मंदिर जाना चाहिए कितने बजे उठना चाहिए तो कुछ लाइफ स्टाइल के बारे में युवाओं को आप प्रेरित करें डट्स वेरी नाइस देखिए प्राचीन काल से ही हमें सिखाया जाता था मैं जब अपने गुरु के आश्रम में रहता तो दो बज के पैंतालीस मिनट पर हमें उठाया जाता था और पंद्रह मिनट में हम सब करके तीन बजे से ध्यान में बैठते थे और फोर्टी फाइव मिनट्स का ध्यान होता था हमारे यहाँ और वो कोई मैंडेटरी नहीं था जबरदस्ती नहीं करते थे वो हमारे लाइफ स्टाइल में आ गया था हम अपने गुरु को इतना प्रेम करते थे कि उनकी आज्ञा को हमने मान लिया गुरु जी चाहते हैं फिर उसके बाद प्रार्थना होने जाता था वो हमारी ज़िंदगी ऐसी कि उन दिनों कोई रोग एक बार मुझे आज के 24-25 साल पहले लिवर सिरोसिस हुआ डॉक्टरों ने कहा कि आप 14 दिन जिंदा रहेंगे मैक्सिमम वो भी अमेरिका जाओगे तब 30 परसेंट चांस है इंडिया में तो कोई अब इसका मामला नहीं बनेगा और आप मैं बताऊं रात्रि एक बहुत बड़ी घटना घटी मेरे गुरु जो अब शरीर में नहीं थे वो तो मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ आए हैं अब ये विवाहों को विश्वास होता कि नहीं मुझे क्या फ़र्क मेरे साथ गुजरा इसलिए बता वो कहते हैं डॉक्टर बड़ा या मैं बड़ा तो मैं ऐसे चुपचाप था मैं उठ नहीं सकता था बेड से हॉस्पिटल में था और आज मुझे लगता है तेईस साल इधर हो गए और दो साल उधर पच्चीस साल हो गए मैं जैसे के तैसे खड़ा हूँ आनंदित हूँ प्रसन्न हूँ वही मेरा लाइफ स्टाइल मेरे भोजन मेरा वस्त्र मेरे विचार मेरे भगवान के प्रति भक्ति उतनी बड़ी बीमारी से निकाल करके भी 25 साल से मैं पूरे देश और दुनिया की सेवा सनातन धर्म के लिए कर रहा हूँ आज एक पाँव यहाँ है तो कल एक पाँव अभी कल बेंगलोर में रहेंगे अब परसों हैदराबाद में रहेंगे ऐसे करके अलग अलग जगहों पर हैं लेकिन शरीर स्वस्थ है बीच बीच में थोड़ी अस्वस्थता आती है तो शरीर का धर्म है पर लक्ष्य जब ऊंचा हो और जीवन सुंदर हो शाश्वत हो चरित्रवान हो तो मनुष्य सनातन के लिए अपने लिए राष्ट्र के लिए और सबके लिए कुछ ना कुछ कर सकता है प्रातः उठें खूब बढ़िया सुंदर मन के अनुसार नहीं बल्कि तन को क्या अच्छा लगेगा उसको थोड़ा रुचिकर बना करके खाएं। लोगों का मानना है कि नहीं टेस्टी खाएंगे मैं कहता हूं जो हेल्दी चीज़ें हैं वो भी बड़ी टेस्टी होती हैं आप बना करके तो देखिए हेल्दी टेस्टी चीज़ें मैंने खुद इन्वेंट किया है मैं खुद भी बना लेता हूँ मुझे लगता है ये चीज़ नहीं खाना तो खुद भी बना करके इन्वेंट करके वो इतना टेस्टी होता है कि लोग कहते हैं तो तेल में इतना बढ़िया नहीं बनेगा जितना बढ़िया आपने बनाया है तो टेस्टी चीज़ें खाइए हेल्दी खाइए विचार अच्छा रखिए तन के खुराक के लिए ये भोजन और मन के खुराक के लिए गुरुवाणी गुरु की वाणी रोज सुनिए दस मिनट ही सुनिए पंद्रह मिनट ही सुनिए सोते सोते पर उनकी वाणी को सुनिए वो आपके भीतर में परम प्रकाश पैदा करेगा तन भी सुंदर होगा मन भी सुंदर होगा और धीरे धीरे आप व्यापार भी अच्छा कर पाएंगे ऊर्जा होगी तो सब कुछ कर पाएंगे पास्ट इज हिस्ट्री फ्यूचर इज मिस्ट्री जो कुछ है वो प्रेजेंट में है अगर प्रेजेंट में गुरु की वाणी के अनुसार मैं जीवन में जीता हूं आनंदित रहता हूं मैं काम इसलिए नहीं करता कि काम करके मुझे आनंद मिलेगा मैं काम इसलिए कर रहा हूं कि मैं आनंदित हूं मैं इतना आनंदित हूं कि काम कर रहा हूं और काम करूंगा तब आनंदित होगा ये तो मजदूरों का काम हो जाएगा भाई मैं मजदूर नहीं हूं मैं बहुत खुश हूँ ईश्वर का संतान हूँ आनंदित हूँ इसलिए ये काम कर दे रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ इसलिए पॉडकास्ट में हम बैठे हुए हैं पॉडकास्ट में बैठेंगे तो बीस लाख लोग मुझे देखेंगे तो मैं और बड़ा बन जाऊँगा ये तो चाहत हो गई बर्बाद हो गए आप यहीं पर अपेक्षा हो गई आप नीचे गिर जाओगे मैं इतना खुश हूँ कि रिया और नमन से मिलने आए रिया नमन को देखेंगे आनंद लेंगे सुना दोनों बच्चे इतने अच्छे हैं मिले जीवन में आगे बढ़ रहे हैं मुझे भी मिलने का सौभाग्य हुआ अपने बच्चों को आशीर्वाद देने का अवसर मुझे मिला और मुझे आनंद आ रहा है बैठ करके और वो लाखों युवा भी सुन करके इस जीवन को सीख पाएंगे रोल मॉडल के रूप में देख पाएंगे और मुझे पक्का विश्वास है कि इस पॉडकास्ट से लाखों लोगों को फायदा होगा और वो अपने जीवन में आनंदित रह पाएंगे दैनिक जीवनचर्या खूब सुंदर बनाइए प्रातः उठिए टेस्टी खाइए हेल्दी खाइए विचारों के लिए गुरु की वाणी लीजिए सुंदर लोगों के मित्रता रखिए चाहे एक अंतिम बात कह के लोग कहते हैं हमारा मित्र है फास्ट फ्रेंड है ना वो चाहे मेरे सही गलत सब में मेरे साथ खड़ा रहता है आपके गलत में जो साथ खड़ा रहता है वो मित्र नहीं शत्रु है आपका गलत में साथ में खड़ा था कर्ण दुर्योधन के साथ दुर्योधन भी मरा वो कर्ण भी मरे दोनों मित्रता उसको नहीं कहते जो आपकी गलती में आपका साथ दे मित्र उसको कहते हैं जो गलती के समय खड़ा हो जाए ये ठीक नहीं है तुझे भुगतना पड़ेगा मैं तेरा मित्र हूं मत करिए मैं कह रहा हूं प्लीज मत कर मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं जो मित्र गलती से रोके वो आपका मित्र हो सकता है मेरी गलती में भी मेरे साथ खड़ा था मेरा फास्ट फ्रेंड है अरे वो बहुत बड़ा फास्ट शत्रु है आपका उससे दूर रहो उससे बचोगे तो जिंदगी बच जाएगी तो ऐसे मित्र रखिए ऐसे भोजन रखिए ऐसे प्रातः उठिए और फिर कहता हूं मुनियों की ऋषियों की और गुरुओं की बातों को सुनिए आप जीवन में सक्सेसफुल होंगे आपको कोई नहीं रोक सकता